सी स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो आपको पता ही है कि कनाडा का जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, और डेफिनेटली एवरी वीक वी आर गेटिंग मोर देन 70 to 80 वीज़ाज राइट नाउ फॉर जनवरी एंड मई 23 इनटेक। सो काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने मई के लिए भी अप्लाई किया था उनको भी वीज़ाज रिसीव हो रहे हैं। और इस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के स्टूडेंट्स भी थे उनको भी PPRs आनी शुरू हो चुकी हैं। सो दिस इज़ अ रियली रियली पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि जो बच्चे कनाडा अप्लाई कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे 4 weeks to 6 weeks का प्रोसेसिंग टाइम रह गया, जो कि मेरे को लगता है कि कोविड से पहले वाले डेज हैं, क्योंकि पहले भी 4 weeks to 6 weeks में रिजल्ट आ रहे थे। और अब भी एम्बेसी इस टाइम पे बहुत सीरियस हो गई है स्टूडेंट वीज़ा को लेके। सो इस टाइम जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 4 weeks to 6 weeks में आ रहे हैं, बट इस टाइम फिर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वैसी कुछ केसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या वैसी को असेसमेंट कर सकती है। बट इस टाइम जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है और जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो भी बहुत बहुत बढ़िया है। सो इस टाइम जनवरी इनटेक वी हैव ऑलमोस्ट टच्ड मोर देन 600 वीज़ा। सो जनवरी इनटेक में हमारे 600 के करीब वीज़ाज आ चुके हैं, एंड फॉर मई इनटेक ऑल्सो वी हैव क्रॉस 100। सो 100 वीज़ाज मई इनटेक के भी आ चुके हैं अभी तक, बट एग्जैक्ट फिगर अब मेरे को इतना याद नहीं रहता, बट डेली बेसिस के आपको पता ही है कि बहुत सारे वीज़ाज रिसीव हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को हम साथ ही साथ हैंड ओवर किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कॉलेज मैटर करता है। सो कॉलेज, आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। सेकेंड थिंग, आपके स्कोर मैटर करेंगे कि वॉट इज़ योर परसेंटेज। जैसे आपने बोला कि अगर ईच सब्जेक्ट में 60 हैं तो दैट्स अ पॉजिटिव प्रोफाइल, दैट मीन्स आप फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट हो, तो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन है, दैट्स अ पॉजिटिव प्रोफाइल। सेकेंडली, अगर आपके 6 ईच बैंड से आधा बैंड भी ऊपर है, यानी कि आपके ओवरऑल 6.5 हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोर पॉजिटिव प्रोफाइल, बिकॉज आप बेस लाइन पे 6 ईच हो तो कई बार दिक्कत आ सकती है, बट अगर आपके बैंड अच्छे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव प्रोफाइल, और जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। थर्डली, आप कौन सी सिटी जा रहे हो, मतलब ये भी मैटर करेगा कि आप कौन से शहर जा रहे हो, बिकॉज समटाइम्स जिस शहर में आप अप्लाई करते हो तो ऑलरेडी बच्चा बहुत है, तो अगर आप किसी सिटी को ध्यान से चूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। एंड अगर मैं लास्ट में बात करूँ तो प्रोविंस भी कई बार इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आपका एक सही कंसल्टेंट होना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। सो इस टाइम पे बात करें तो सितंबर इनटेक इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी फास्ट। सो आज भी हमारे कॉलेज से बात हो रही थी, तो सितंबर 2023 की जो सीट्स हैं वो भी बहुत जल्दी फिल हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आई विल एडवाइज़ यू कि आप बहुत जल्द से जल्द अपना प्लान, जो बच्चे आईलेट्स कर चुके हैं या आईलेट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करें। सो ये ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए हम कोई प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी सारे कॉलेजेस की एप्लीकेशन फ़ीस पे भी वेवर है, जैसे लैम्पटन पे वेवर है, और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट पे वेवर है, और भी जिस जिस कॉलेज पे वेवर है तो वी विल गिव यू वेवर इन दैट कॉलेज। थर्डली, अगर मैं बात करूं तो आपको क्या कहते हैं, ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ $100 चाहिए होंगे, $150 चाहिए होंगे, आप ऑफर लेटर ज़रूर अप्लाई करें। अगर ऑफर लेटर आपकी आ जाती है अच्छे पब्लिक कॉलेज से तो आप उसकी फ़ीस ज़रूर भर दें, ताकि आप जो सीट है मई या सितंबर के लिए वो अपनी बुक कर सकें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप सितंबर 23 भी मिस कर सकते हैं।